अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपके लिए पाए बनाने जा रही हूँ। हमसे फरमाइश की गई थी कि प्लीज़ हमें पाए बनाने की रेसिपी दे दें, तो ये बहुत सिंपल है, कुछ ही चीज़ें इसके अंदर डलेंगी, ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करते। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 6 पाए लिए हैं। आपने इसको अच्छी तरह से धो के, जो इसके अंदर बाल होते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें इसके साथ लगी हुई होती है, वो प्लीज़ अच्छी तरह से आप वॉश कीजिएगा ताकि ये साफ हो जाए। ये देखिए मैंने इसको कितने अच्छे तरीके से साफ किए हैं। चाहे लैम के लीजिएगा या आप शीप के लीजिएगा, जो भी आप पाए बनाना चाहे इसी सेम रेसिपी से बना सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये साबुत गरम मसाला लिया है, इसके अंदर सब होल गरम मसाला मैंने ऐड किया है, सिनेमन स्टिक और क्यूमन सीड, ब्लैक पेपर, सब कुछ इसके अंदर, ग्रीन कार्डमम और ब्लैक कार्डमम सारा इसके अंदर मैंने डाल दिया। ये तकरीबन टोटल 2 टेबलस्पून मैंने ये किया है। इसको देखिए इस तरह से आपने ये साबुत लेना है, और ये 2 गार्लिक है मेरे पास, ये हम इसको साबुत ही इसके अंदर डालेंगे और कोई इसके अंदर ओनियन या टमाटर नहीं ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर, और साथ ही हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से हम इसको बनाएंगे और बहुत ही मजे के ये बनेंगे जी। तो ये मैं बनाऊंगी प्रेशर कुकर में। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप इसको बगैर उसके भी बना सकती हैं। बहुत लो हीट पे आप रख के, चाहे आप रात को रख ले, सारी रात इसको लो हीट में पकने दे तो सुबह आपके पाए रेडी होंगे, और दिन में भी आप बनाना चाहती हैं तो फिर तकरीबन आपका पूरा दिन लगेगा। प्रेशर कुकर में ये होता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपके ये जो है पाए ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया, देखिए इसका पानी मैंने इसके अंदर हाफ डाला है, 6 पाए मैं इसके अंदर रेडी करूँगी। ये मैं सारे जो है वो इस पानी के अंदर डाल दूंगी। सबसे पहले हम इसकी यखनी निकालेंगे, इसका सूप रेडी करेंगे। ये होल गरम मसाला जो है ये मैं सारा इसके अंदर डाल दूंगी, और तो इसके साथ ही मैं ये गार्लिक ये अच्छी तरह आप धो लीजिएगा पहले, फिर इसके अंदर हम ये इसी तरह डाल देंगे। साथ ही मैं इसके अंदर सिर्फ अभी मैं सॉल्ट ऐड करूंगी, कोई मसाला हमने ऐड नहीं करना। तो सॉल्ट जो मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ वो बिल्कुल आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि अभी पानी ज्यादा है, बाद में ये पानी जब हम इसका शोरबा बनाएंगे तो ये बहुत कम रह जाएगा। तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर सकती हैं सॉल्ट। अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए रख दूंगी ताकि इसका जो गार्लिक है और इसकी जो यखनी है वो अच्छे तरीके से निकल आए। निकलने के बाद फिर हम इसको पायों को निकाल के, तो गार्लिक में हम इसको मसाला डाल के अच्छी तरह इसको भूनेंगे। चले अब हम इसको प्रेशर कुकर देते हैं तकरीबन 20 मिनट्स के जी। तो ये देखिए इस तरह से इसकी यखनी निकल आई है, मैं आपको दिखा दूं। गार्लिक भी हमारा तकरीबन ये गल चुका है, पाए जो है वो अभी पूरे कम्प्लीटली नहीं कुक हुए, अभी मैंने इसको हाफ कुक किया है। हाफ कुक जो है वो मैं इसको अच्छी तरह से भून के मसाले में तो फिर करूंगी। अब मैं इसको, आपने ये करना है कि इसका जो यखनी है वो छान लीजिएगा किसी चीज में, ताकि इसका जो साबुत सारा गरम मसाला है वो निकल जाए तो आपके वो शोरबे में नहीं आना चाहिए। दोबारा से मैंने वो यखनी निकाल के प्रेशर कुकर ये रख लिया है। अब मैं ये करूंगी कि इसके अंदर हाफ कप जो है मैं ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल डालने के बाद जो गार्लिक मैंने आपको साबुत उसके अंदर ये देखिए इस तरह डाला था, आप इसको ठंडा कर लीजिएगा क्योंकि हमने इसको हाथों की मदद से निचोड़ के इसके अंदर मैं ये डालूंगी। ये देखिए इस तरह हमने गार्लिक लेना है और आपने इसको इस तरह से, ताकि जो इसके छिलके हैं वो आपके हाथ में रहे और जो इसके अंदर गार्लिक है वो इसके अंदर चला जाए, ठीक है। ये थोड़ा गर्म है पर आप प्लीज ठंडा जरूर कर लीजिएगा, इस तरह स्क्वीज करके आपने ऐसे इसके अंदर डाल दिया। देखिए गार्लिक डाला है इसके अंदर, आपने हल्का सा इसके अंदर बस इसको ऑयल के अंदर फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद फिर हम ये करेंगे कि साथ ही मैं इसके अंदर चिली पाउडर ऐड कर दूंगी। जितना आप अगर स्पाइसी बनाना चाहती हैं तो आप स्पाइसी थोड़ा ऐड ज़्यादा कर लें, मैं इसके अंदर 1 टीस्पून डालूंगी। डाल चुकी हूँ तो सॉल्ट अभी जो है, सॉल्ट जो है वो हमने अभी इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ऐड कीजिएगा, तकरीबन 1/4 टीस्पून डाल दीजिएगा। इस
इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है। जब आपके मिर्चों की खुशबू आना शुरू हो जाए समझे तो आपका ये मसाला रेडी है। साथ साथ आप थोड़ा सा इसके अंदर जो पायों का हमने सूप निकाला था वो डालती जाए और इसको भूनती जाए। लहसुन भी अच्छी तरह से भून लेना चाहिए ताकि इसकी जो कच्चीपन की खैर वो कच्चा तो नहीं रहा होगा क्योंकि हमने उसको इतना पकाया है, लेकिन फिर भी जितनी हम खाने की भुनाई करेंगे हमारा खाना उतना ही मज़े का बनेगा। देखिए तकरीबन ये हो चुका है, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पाए और अब हमने तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए इसको हम ऑयल में फ्राई करना है 10 मिनट्स के लिए। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी सी शक्ल आ रही है। जितना आप इसको भूनेंगे उतने ही ये पाए जो है ये मज़े के बनेंगे। तो बस इसकी भुनाई करने के बाद हमने जो यखनी है उसको छान के आपने इसके अंदर डाल देना है और दोबारा से इसको 20-25 मिनट का प्रेशर लगा दीजिएगा। 20 मिनट के बाद आप खोल के देखिएगा प्रेशर की, अगर आपके पाए गल चुके हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं गले तो आप 5-10 मिनट का और प्रेशर लगा दीजिएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि इसके अंदर हम तकरीबन 1 टीस्पून जो है गरम मसाला पाउडर बिल्कुल एंड में यूज़ करेंगे। ये मैंने देखे इस तरह ये जो इसका ये बचा था गरम मसाला ये सारा नीचे रह गया और पानी मैंने सिर्फ इसका जो सूप था वो इसके अंदर डाला है। अब दोबारा से मैं इसको फिर 25 मिनट के लिए इसको प्रेशर दूंगी। जी तो आप देख सकती हैं ये कितना शोरबा रह गया है, जितना आपने रखना है आप उतना ही रखिएगा। ये मैं आपको निकाल के दिखा दूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये देखे गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर मैंने 20-25 मिनट्स के लिए जब मैंने इसको प्रेशर दिया था तो मैंने इसकी हीट जो है वो बहुत ही मैंने लो कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। गरम मसाला पाउडर हमने डालने के बाद फिर इसको हमने 5-10 मिनट तक जो है हम इसको दोबारा से बहुत लो हीट पे रख देंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो अच्छे तरीके से, ये देखिए गरम मसाला डालते हैं इसकी शक्ल जो है वो चेंज हो गई है। जी नाज़रीन तो यहाँ पे हमारे पाए जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसको नान के साथ ट्राई कीजिएगा। जिन लोगों ने फरमाइश की थी उनको ये मेरी रेसिपी बहुत